बिगड़ी आहार शैली और दिनचर्या के कारण आज अधिकतर लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। यही मोटापा भविष्य में कई रोगों का कारण बनता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। इस मोटापे को कम करने के बारे में हर इंसान सोचता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वजन कम नहीं कर पाता है। दरअसल खान पान पर नियंत्रण मोटापा कम करने के लिए जरूरी माना गया है, जो एक सीमा तक ही संभव है। वहीं एक्सरसाइज के लिए भी जिम में घंटों बिताना भी समय के लिए हर किसी के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए ऐसे कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, जो कि आप घर पर करके ही अपने पेट पर जमा चर्बी कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों के पेट व कमर के आसपास चर्बी इतनी ज्यादा जमा हो जाती है कि वह चाहकर भी अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन पाते। कई बार चर्बी की वजह से दूसरों के सामने उड़ते बैठते हुए मन में ही हीन भावना आने लगती है, क्योंकि उनके पेट की चर्बी कपड़ों से साफ नजर आती है। इस तरह के लोग हमेशा इस सोच में डूबे रहते हैं कि पेट की चर्बी कैसे घटाएं। ऐसे में नियमित व्यायाम करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कमर और पेट कम करने की एक्सरसाइज बता रहे हैं, यह व्यायाम या एक्सरसाइज आपके सवाल कमर और पेट कम कैसे करें का जवाब ही है। दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज या व्यायाम है दौड़ना। शरीर को चुस्त व दुरुस्त रखने के लिए रनिंग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दौड़ लगाने से हृदय अच्छे से काम कर पाता है और अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है, जिससे धीरे धीरे चर्बी कम हो सकती है। शुरुआत में कुछ मीटर ही दौड़े और तेज की जगह धीरे धीरे दौड़े। दोस्तों, जब शरीर इसका अभ्यस्त हो जाए तो गति और समय दोनों में आप वृद्धि कर सकते हैं। इसी वजह से दौड़ना पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए सब उपायों में से एक है। दोस्तों, दूसरा उपाय या व्यायाम है तैराकी। कमर और पेट कम करने के उपाय में तैराकी भी शामिल है। इससे शरीर में अतिरिक्त जमा वसा कम होने लगती है। तैराकी करने से न सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि शरीर भी बेहतर शेप में आ सकता है। इसे हफ्ते में एक या दो बार आप कर सकते हैं। अगर पहले कभी तैराकी नहीं की है तो इसे किसी ट्रेनर की देखरेख में ही करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा व्यायाम है साइकिलिंग। पेट कम करने के लिए व्यायाम के रूप में साइकिलिंग भी की जा सकती है। इसे सबसे बेहतर और आसान कार्डियो एक्सरसाइज, मतलब हृदय के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज माना गया है। इससे पैरों, टांगों और जांघों की अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। साथ ही इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी व कैलोरी भी कम हो सकती है। इसी वजह से साइकिलिंग को कमर की चर्बी कम करने के उपायों में से एक माना जाता है। दोस्तों, चौथा व्यायाम है पैदल चलना। अगर कोई ऊपर दी गई बताई गई तीनों एक्सरसाइजों में से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है, तो रोज सुबह अगर आप आधा घंटा पैदल चल सकते हैं, इससे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी कम हो सकती है। संभव हो तो तेज कदमों से चलें। इसे बढ़ा हुआ पेट कम करने में के उपायों में से सबसे आसान और सुरक्षित माना गया है। दोस्तों, पांचवा आयाम है सिटअप। कमर और पेट कम करने की एक्सरसाइज में सिटअप भी शामिल है। इसे आसान व्यायाम से न सिर्फ पेट बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों का फैट भी कम हो सकता है। सुबह या शाम अपनी सहूलियत के हिसाब से यह एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट तक की जा सकती है। दोस्तों, छठा व्यायाम या एक्सरसाइज है सीढ़ियां चढ़ना उतरना। ऊपर बताए गए व्यायाम जितने अभी जो मैंने बताए हैं, उनमें से सबसे आसान सीढ़ी चढ़ना और उतरना आप आसानी से कर सकते हैं। यह पेट कम करने के लिए व्यायाम में से कम नहीं है। जी हाँ, सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने से भी एक्स्ट्रा फैट को कम किया जा सकता है। इसके लिए रोजाना सुबह करीब 10 मिनट घर की सीढ़ियां
पर चढ़ना और उतरना शुरू किया जा सकता है दोस्तों। ऑफिस जाते आते समय भी लिफ्ट की जगह आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर भी कमर और पेट कम करने की उपाय में आप शामिल हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों सातवां व्यायाम है प्लैंक। पेट कम कैसे करें, इस सवाल का जवाब प्लैंक एक्सरसाइज भी है। यह एक सरल व्यायाम है, इसे करने से चर्बी कम होने के साथ ही शरीर का संतुलन भी बेहतर हो सकता है। इसे करने के लिए पुशअप करने की अवस्था में आना होगा दोस्तों, फिर पूरे शरीर को का भार अपनी भुजाओं पर डालते हुए शरीर को एक सीध में करना होता है दोस्तों। इस दौरान सिर्फ कोहनी और पंजे जमीन पर होने चाहिए और बाकी का शरीर हवा में ऊपर उठा होना चाहिए। अब जितनी देर हो सके शरीर को इसी अवस्था में रोक कर रखें दोस्तों। ये थी प्लैंक। दोस्तों आठवां व्यायाम है की एक्सरसाइज है बेसिक क्रंच। एब्स बनाने और पेट कम करने की कसरतों के रूप में क्रंच बहुत ही प्रचलित है। क्रंच करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, इसी वजह से इसे पेट की चर्बी कम करने के उपायों में गिना जा सकता है। इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल आप लेट जाएं, मेट पर लेट जाएं, घुटनों को मोड़ लें। अब अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए गर्दन के पीछे ले जाएं, फिर सांस लेते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को सांस छोड़ते हुए ऊपर तक उठाना है और फिर वापिस प्रारंभिक स्थिति में लेट जाना है। दोस्तों नवा व्यायाम है स्क्वेट। अभी भी दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि आसानी से पेट कम कैसे करें, तो स्क्वाट सबसे बेहतरीन व्यायाम साबित होगा। इसे करने के लिए सीधे जमीन पर खड़े होना होगा, इसके बाद हाथों को आगे रखते हुए घुटनों को मोड़ लें और फिर कुछ सेकंड तक ऐसे ही प्रारंभिक ऐसे ही अवस्था में बने रहें, फिर प्रारंभिक अवस्था में आप लेट जाएं। यह फ्लैट पेट के लिए महिलाओं के व्यायाम के रूप में बहुत ही प्रचलित एक्सरसाइज है प्लैंक। आपको स्क्वेट करने से बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों, कमर और पेट की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर जमा अतिरिक्त चर्बी कम होगी दोस्तों। ये थी जानकारी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके पेट और कमर की चर्बी को खत्म कर सकती है और आपका वजन कम कर सकती है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।